What the? वो बाइक तुम्हारी थी? नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं। हेलमेट पहनी थी? नहीं। जो पीछे बैठा था उसने हेलमेट पहनी थी? नहीं। ना ट्रैफिक पे ध्यान है, ना रोड पे ध्यान है, बस जूम जूम करते हुए वहां से आगे चले गए। अगर तुम्हारी बाइक स्केट हो जाती, तुम्हें चोट लग जाती, एक्सीडेंट हो जाता तो? इसको समझाओ अनु, इसके जैसे न जाने कितने लोग ये स्पीड के नशे में पागल हो जाते हैं, अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? बट अंकल कुछ हुआ तो नहीं ना? एक गलती लगती अपनी जान गंवाने में, तुम सिर्फ अपनी जान नहीं दूसरों की जान भी धोखे में डाल रहे हो। अगर किसी को कुछ हो जाता तो क्या होता रोमिल? एक तो बिना लाइसेंस के बाइक चला रहा था, बिना हेलमेट के चला रहा था, अंडर एज है, दिस इज क्रिमिनल ऑफेंस, ओके? अरे मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बट मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, आप लोग इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं यार? हमारी गलती हो गई, आवर फॉल्ट, लेकिन क्या करें, ये हमें बार बार ऐसे मौके देता है कि हमें ओवर रिएक्ट करना पड़ता है, हम तो सिर्फ ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। तुम्हारे डैड को पता चलेगा ना तो पता नहीं वो क्या करेंगे, शुक्र मना उन्हें अभी पता नहीं है। अरे हम तुझे इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि हम तेरे बड़े हैं, हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? और तेरी चिंता है इसलिए कह रहे हैं, हेलमेट पहना क्यों नहीं था? हेलमेट सेफ्टी के लिए होता है ना? हेलमेट वो हैंडल पे टंगा हुआ था। अरे सर की सुरक्षा हेलमेट को हैंडल पे टांगने से कैसे होगी? और हेलमेट कानून के लिए नहीं पहना जाता है, अपनी सर के लिए पहना जाता है, अपनी सुरक्षा के लिए पहना जाता है। खबर छे कि तुम्हारी उम्र में ऐसी सब चीजें करना अच्छा लगता है, रूल तोड़ना अच्छा लगता है, तेज चलाना अच्छा लगता है, रेसिंग करना अच्छा लगता है, खतरा उठाना अच्छा लगता है, ये सब अच्छा लगता है, दूसरों को हराना वगैरह। लेकिन बेटा कभी सोचा है तुम्हारी इस एक पल की खुशी के लिए, ये एक पल के मजे के लिए जिंदगी भर कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? भगवान ना करे अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो माँ बाप पे सब पे क्या बीतेगी, कभी सोचा है? अरे मैंने मेरा जवान बेटा खोया है, चल वो दुख तुम लोग समझ नहीं सकते लेकिन महसूस तो कर सकते हो, देखी थी ना हालत मेरी और मिस्टर शाह की, बेटा जाने के बाद क्या हुआ था देखा था ने, तो फिर क्यों ऐसी हरकतें करना? अरे गलतियां बच्चे करते हैं लेकिन सजा माँ बाप को भुगतनी पड़ती है, अपने जान के लिए ना सही, कम से कम अपने माँ बाप के बारे में तो सोच। और अगर उस एक पल में तुझे कुछ हो गया तो इतनी लंबी जिंदगी आगे पड़ी है ने, अपाहिज बन के रहना है क्या पूरी उम्र भर? हाँ तो मतलब है ये सब करने का? समझता नहीं कथेगा। I'm really sorry uncle, I'm really sorry auntie. It's all right, don't do it again. अब ऐसा कभी भी मत करना।